ऑलराइट, iOS 15 जो है फाइनली अनाउंस हो चुका है एप्पल की तरफ से, जो कि अभी तक पब्लिक नहीं है लेकिन बेटा वर्जन आ चुका है और उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो उसके अंदर जो जो फीचर्स आए आप उन्हें, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर कुछ मेजर फीचर्स बताऊँ तो यार फेस टाइम जो है उसके अंदर काफ़ी सी नई नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस कराई गई है, पोर्ट्रेट मोड फेस टाइम के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया है, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हुए भी फेस टाइम को यूज़ कर सकते हैं, और बाकी वेदर ऐप को थोड़ा सा जो है अपग्रेड किया गया है, और उसके अलावा आपका एक गूगल लेंस जो होता है उस तरह का एक एप्पल ने अपना लाइव टेक्स्ट के नाम से एक फीचर इंट्रोड्यूस करा है, जिसके अंदर आप कोई भी पिक्चर लेंगे तो उसके अंदर से जो टेक्स्ट होगा उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसे कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के कुछ फीचर जो है एप्पल ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन से आईफोन से जिनको iOS 15 की अपडेट मिलेगी। तो एक वीडियो बनाना छोटी सी वीडियो ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे पास जो आईफोन है उसे वीडियो जो है अपडेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने आईफोन्स को 5 साल तक की अपडेट्स देती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं कि यार कौन कौन से फ़ोन से जिनकी लिस्ट आई हुई जो iOS 15 के लिए कंपेटेबल है। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो भाई आपका iPhone 12 आ जाता है, फिर आपका iPhone 12 mini और 12 Pro, मतलब कि iPhone 12 की जो सीरीज़ है उनको डेफिनेटली मिलेगी, iPhone 11 की जो सीरीज़ है उनको भी मिलेगी, मतलब 11, 11 Pro, 11 Pro Max, बाकी आपका iPhone XS जो कि XS होता है, जो दोनों वर्जन है मैक्स और जो नॉर्मल वाला है उन दोनों को मिलेगी, iPhone XR को भी मिलेगी, फिर उसके बाद जब आज पीछे आ जाते हैं तो iPhone X आ जाता है जो कि 2017 के अंदर अनाउंस हुआ था, उसको भी अपडेट मिलेगी, उसके अलावा iPhone 8 और 8 Plus वो भी iPhone X के साथ ही अनाउंस हुए थे, iPhone 7 और 7 Plus को भी मिलेगी, मतलब एक साल और पीछे चले जाए, iPhone 7 और 7 Plus आपका अनाउंस हुआ था 2016 के अंदर, तो मतलब 2016, 17, 18, 19, 20, 21 पाँचवीं अपडेट है iPhone 7 की। यहाँ पर iPhone 6S और 6S Plus को भी यहाँ पर अपडेट मिलेगी, जो कि और एक साल पीछे आप चले जाए, मतलब कि 2015 में, तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 iPhone 6S की ये छठी अपडेट है जो कि एप्पल की तरफ से मेजर अपडेट यहाँ पर मिल रही है, और ये चीज़ कोई भी कंपनी नहीं करती, मतलब सैमसंग ने भी अभी जो है एंड्रॉयड की 3 साल के अपडेट्स का प्रॉमिस किया है, उससे पहले सिर्फ 2 साल तक देते थे, और यहाँ एप्पल जो है वो 6 साल तक अपडेट दे रहा है, मतलब कि एक फ़ोन ले लो 6 साल चलाओ। खैर वो फ़ोन थोड़े स्लो हो जाते हैं, लेकिन एक नए नए फीचर जो भी एप्पल इंट्रोड्यूस कराते हैं वो जितने भी पुराने आईफोन थे सबको अवेलेबल कराता है, मतलब आईफोन 6S देखें ना कितना पुराना फ़ोन है, उसको सारे नए अपडेट्स मिल रहे हैं, आईफोन SE ये भी आई थिंक 2015-16 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो फर्स्ट जनरेशन है उसको अपडेट मिलेगी, बाकी उसके अलावा आईफोन SE सेकेंड जनरेशन जो कि अभी 2020 में आया था, और iPod Touch 7th generation कब आया था, आई एम नॉट श्योर, 2018-19 के अंदर आया था, जो भी आया था मैं यहाँ पर डेट दे दूँगा। तो ये सारे आईफोन्स हैं जिनको अपडेट्स मिलेगी, अगर आपके पास iPhone 6S से ऊपर के जितने iPhones हैं तो उनको मिलेगी, जो iPhone 6 है उसको नहीं मिलेगी, 6S से ऊपर के जितने भी मॉडल्स हैं सबको iOS 15 की जो है अपडेट जो है मिल रही होगी, और अगर आपके पास पुराना वाला iPhone SE है तो तब भी आपको जो है अपडेट मिल रही होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।